नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी में। और मेरा नाम है नितिन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद है तहे दिल से पिछली वीडियो को इतना सपोर्ट करने का और ये इंटरेस्ट दिखाने का कि हाँ हम भी रीजनिंग में और बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं, ऐसा एक्सपोजर हम सभी चाहते हैं। ये देख के बहुत खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए और अच्छे अच्छे प्रश्न तरह तरह के पेपरों से, भले वो आपके CGPSC के CSET के पेपर हों, चाहे वो आपके SSC के CGL के पेपर हों, चाहे वो आपके MPSC के CSET के पेपर हों, ठीक है, MPBSC के, या आज के सेशन में तो मैंने UPSC के भी CSET के पेपरों के प्रश्न लिए हुए हैं, ठीक है, बैंकिंग के भी पेपर के प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। क्या है, रीजनिंग केवल एक पेपर तक सीमित नहीं होती, अब रीजनिंग हर पेपर में आने लग रही है, इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी जितने ज्यादा पेपर, जो भी मेन पेपर, ठीक है, इसमें आपके व्यापम भी कवर हो जाएंगे, रेलवे भी कवर हो जाएंगे, जितने भी मेन पेपर में, बड़े बड़े पेपरों में यह प्रश्न आ चुके हैं, PYQs आ चुके हैं, उन्हीं को और कैसे बेहतर तरीके से हम सीख सकते हैं, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, इसके रिलेटेड यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो यह बात तो आप सभी को पता है और इसी को ऐसे ही आप आगे सपोर्ट करते जाइए, ठीक है, तो हम और अच्छा अच्छा कंटेंट, तगड़ा तगड़ा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। तो रीजनिंग ब्रह्मास्त्र, यह हमारी सीरीज का नाम है, ठीक है। इससे पहले वाले सेशन में हमने सीरीज यानी कि श्रेणी श्रृंखला के ऊपर चर्चा की थी, काफी सारे क्वेश्चंस देखे थे। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, आज का टॉपिक होने वाला है, थंबनेल में आपने देखा ही है, कोडिंग डीकोडिंग, ठीक है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रीजनिंग के टॉपिक्स के अंदर और हर पेपर में, हर एक पेपर में इसके दो एक प्रश्न आपको कम से कम दिखेंगे, कम से कम एक दिखेगा, दो से तीन भी दिखते हैं कई कई पेपर में, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, कैसे पैटर्न आते हैं, किस किस तरीके के प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, सारी चीजें अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चों का यहाँ पर एक, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि ऑप्शन में लिख के बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, ठीक है, तो आप कमेंट्स चेक करेंगे तो वहां पर कुछ बच्चों के उत्तर आए थे, कुछ छात्रों ने इसको ट्राई किया था और उनका ऑप्शन आ रहा था 191 ऑप्शन नंबर डी। तो जिन भी छात्रों का ऑप्शन नंबर डी 191 आ रहा था पिछली वीडियो में, यह बिल्कुल उचित और सही उत्तर है, परंतु इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सेशन के आखिर में, ठीक है। तो अभी हम चालू करते हैं जो हमारे मेन मुद्दे का आज टॉपिक है, और वो टॉपिक कौन सा है दोस्तों, कोडिंग डी कोडिंग, ठीक है। इसको आप सांकेतिक भाषा भी कहते हैं हिंदी में, अर्थात ये सभी को पता है कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो जब मैंने दोस्तों आप सभी को बताया था रीजनिंग के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, तब मैंने आपको बोला था कि सीरीज में मेन होता है कि हम सभी को यह तो पता ही रहे, कम से कम आवश्यकता जो है यह सबको पता रहना चाहिए कि वर्ग यानी कि संख्याओं के वर्ग यानी कि स्क्वायर और क्यूब्स यानी कि घन, ये सभी को हमें को पता रहने चाहिए, घन और क्यूब्स, वर्ग और स्क्वायर, जो आप बोलना चाहें बता सकते हैं, ठीक है। ये कम से कम 1 से 30 तक हमें पता रहने चाहिए, भली भांति एकदम जहन में होने चाहिए हमारे कि तुरंत कोई पूछ दे तो पता रहे। उसी तरह से 1 से 15 तक के घन यानी कि क्यूब्स आप सभी को पता रहने चाहिए दोस्तों, तो हमारी काम बहुत ही जल्दी होती है क्योंकि काफी सारे प्रश्न सीधा सीधा इसी के आधार पर पूछे जाते हैं। तो जब हम कोडिंग डीकोडिंग की बात करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, एक बहुत जरूरी जो यहाँ पर बात हमें ध्यान में रखनी होगी आगे चल के, वो होगी अक्षरों के रिलेटेड। अक्षर क्या होते हैं, हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स, है ना, ए से लेके जेड तक, इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर। तो इसकी बहुत भली भांति हमें नॉलेज होनी चाहिए, एकदम मुंह जबानी, कैसे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, इसको डेली आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि अभी भी सेशन में आप देखेंगे जितने भी PYQs हैं, आप मान के चलिए 95% क्वेश्चंस इन्हीं के बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे। हम कई बार क्या करते हैं, सोचते हैं अरे ये तो बहुत आसान है, ए से जेड तो हम क्लास 1 में सीख चुके हैं, ये क्या पढ़ेंगे, परंतु सिर्फ ए से जेड तक पढ़ना ही काफी नहीं होता, ए से जेड तक आपको सारे अक्षरों की संख्या पता रहनी चाहिए कि A1 है, B2 है, CA है, D4 है, E5 है, इन इस तरीके से, ठीक है। इसमें कई बार क्वेश्चन आपको विपरीत भी पूछे जाते हैं, यानी कि अपोजिट भी पूछे जाते हैं, यानी कि ए का उल्टा कौन होगा, ए का उल्टा होता है जेड, ए का विपरीत कौन है, जेड, बी का विपरीत कौन है, वाई, सी का विपरीत कौन है, एक्स, इस तरीके की बातें अगर हमें पता है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें पता रहनी चाहिए, क्या क्या, अक्षर और अक्षरों की संख्या, अक्षर और अक्षरों की संख्या। अगर मान के चलिए मैंने पूछ लिया आपसे, बताइए M क्या है, तो M का कहीं ना कहीं स्थान क्या है, 13वां, इसीलिए उसको 13 लिखा गया। A का स्थान क्या है, पहला स्थान है, इसीलिए उसको 1 लिखा गया। 26वां स्थान किसका है, जेड का।
तो इस तरीके से आपका दिमाग काम करना चाहिए पेपर में, तब ये सारी चीजें आसान होती है। एक बुलेट पॉइंट आप सभी के ध्यान में मैं लेने आऊंगा, कभी भी आपको विपरीत पता करने, कभी भी अगर आपको विपरीत पता करने, तो आप देखिएगा विपरीत स्थानों में जो भी आपके अक्षर आएंगे उन सभी का योग कितना होता है, हमेशा आप देखिएगा 27, यानी कि ए के विपरीत में जेड, ए के विपरीत में जेड, तो एक और 26 कितना हुआ योग, 27। कोई भी आप उठा लीजिए, डी के विपरीत में कौन है, डब्लू, यानी कि 4 और 23 का योग कितना हुआ, 27। ठीक है, जी के विपरीत में क्या है, टी, यानी कि 7 और 20 क्या हुआ योग, 27। तो आप ये बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अगर दो अक्षरों का योग 27 है तो वह अक्षर अवश्य ही विपरीत रहे होंगे, अपोजिट, या आप इसे विपरीत भी कह सकते हैं। ठीक है, इनका योग हमेशा कितना आएगा, 27, इनका योग हमेशा कितना आएगा, 27, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये सारी चीजें अब हमने नोट डाउन कर ली है, यहां तो वीडियो को आप पॉज करके कर सकते हैं, और विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आइए चलिए समझते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं किस किस तरीके के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उस पर काम कर सकते थे। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है, और कहां पे ये प्रश्न पूछा गया, आपके सीजीपीएससी सीसेट 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चेक करिए क्या लिखा है प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में स्प्रिंग को RTOQQSHJMOFH में और वॉच को VXZBSUBDGI के रूप में कोटीकृत किया गया है। ठीक है, यानी कि किसी भाषा में स्प्रिंग को ऐसा कुछ डरावना सा लिखा गया है, वॉच को भी ऐसा कुछ डरावना सा लिखा गया है, तो वही पूछ रहा है कि इसी कूट भाषा में मॉडर्न को हम कैसे लिखेंगे, मॉडर्न को हम कैसे लिखेंगे। देखिए पेन भी नहीं उठाने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस चीज को। सबसे पहली चीज जो हमें ऑब्जर्व करनी है, पेन मैं यहीं रख देता हूं, नहीं उठानी पड़ेगी, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पे देखूं स्प्रिंग लिखा है, स्प्रिंग में कितने अक्षर हुए, 6, पर जो उसकी कूट भाषा है वहां पे कितने अक्षर है, RTOQUAQQSHJMOFH, 12। तो जहां 6 अक्षर थे वहां 12 कैसे हो सकते हैं, 12 कैसे हो सकते हैं, यानी कि हर अक्षर जो यहां पर है वो अपने साथ कितने अक्षर लेके आ रहा होगा, 2 अक्षर लेके आ रहा होगा, कितने अक्षर लेके आ रहा होगा, 2। तो S ने कहीं ना कहीं 2 अक्षर R और T को लाया। अब आप सोचिए कि S R और T को कैसे लेके आ रहा है, अब एक सेकंड आपको पेन उठा के मैं दिखाता हूं। S से पहले क्या आता है दोस्तों, S खुद 19 है तो 18वें स्थान पर कौन सा आता था, R। कहीं ना कहीं S के बाद क्या आता है दोस्तों, T, यानी कि 20। ठीक है, ध्यान में देखिएगा P क्या होता है, P होता है आपका 16, तो उससे पहले क्या आएगा, 15, यानी कि O, और P के बाद क्या आएगा, 17, Q। अब आपको चीजें दिखने लगेगी कि अच्छा एस के सामने इसीलिए इसने आर और टी दोनों लिखा था, राइट, यानी कि एक जो पहले आता है और एक अक्षर जो बाद में आता है, पी से पहले क्या आता है, ओ, और उसके बाद क्या आता है, क्यू, आर से पहले क्या आएगा दोस्तों, क्यू आएगा, और आर के बाद क्या आएगा, एस, तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो जब हमें यहीं पर लॉजिक समझ गया है तो हम अपना समय जाया नहीं करेंगे कि उसको वॉच में भी स्थापित करके देखें, अगर फिर भी आप करना चाहें तो आप देख सकते हैं डब्ल्यू से एक पहले क्या आएगा दोस्तों, डब्ल्यू होता है 23, से एक पहले अवश्य ही 22 यानी कि V आया होगा, और उसके बाद 24 यानी कि X आया होगा। तो इतना ही करने से आपको अब समझने आ जाएगा, पूरा बिठाने की जरूरत नहीं है, वहां आके कोई आपकी पेपर नहीं चेक करेगा, आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो अगर इसी तरीके से हम देखें तो आप देखिए हमसे क्या पूछा गया, मॉडर्न, तो M से पहले क्या आएगा दोस्तों, M खुद 13 होता है तो M से पहले अवश्य ही 12 यानी कि आपका L, और उसके बाद N आया होगा। तो जो भी उत्तर L और N से चालू होगा वो हमारे लिए स्पष्ट तौर से सही उत्तर होगा, L और M से चालू हो रहा है, नहीं हमें L और N से चाहिए। तो अब देखिए B भी है, D भी है और C भी है। ठीक है, अब यहाँ L N N P L N N P L N N P है। ठीक है, इसमें तो हम नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे, C E है, यहाँ पे भी C E है, यहाँ पे भी C E है, तो 3 अक्षर तक तो बाकी सारी पिक्चर सही लिखी गई। अब इस E की चर्चा करो, E से पहले क्या आया होगा, डी, और उसके बाद क्या आएगा, एफ। तो देखिए कहां पे D और F है, यहां पे D और F है, यहां पे E और F है, ये गलत हो गया, यहां पे D और F है। ठीक है, अब B और D, C और D में से माफ करिएगा, हमारा सही उत्तर होगा। R के लिए क्या आएगा, R से एक पहले गया होगा Q और R के बाद आएगा S, तो उसके बाद Q और S हमें देखना मिलना चाहिए, यहां पे Q और T दिख रहा है तो ये गलत हो गया, Q और S दिखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर C आपका उचित उत्तर। बहुत ज्यादा पेन नहीं उठानी पड़ती है, बस आपको कंटिन्यूअसली आपके दिमाग को थोड़ा थोड़ा चलाते रहना। ठीक है, और ये सारी चीजें कैसे बनेगी फटाफट पेपर में, भले ही कितना टफ से टफ पेपर हो, ये सिर्फ दिमाग में एक बात रहती है कि पेपर देखो टफ आ गया,
उसी पेपर को कोई छात्र टॉप करता है, उसी पेपर में कोई बच्चा बोलता है कि देखो पेपर टफ आ गया। ये सिर्फ निर्भर करता है कि आपकी अभ्यास कितनी है, उस पर निर्भर करेगा कि पेपर आपको इजी लगेगा या टफ लगेगा। तो मैं कोशिश करूंगा बिना लिखावट के जितनी चीजें टफ से टफ पेपर की उठाएं उसको हम बनाने में सक्षम रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए अब देखिए इस प्रश्न को। यहां पे क्या लिखा है, एक्सप्रेस को 92 लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में फीलिंग को 44 लिखा जाता है, तो बताइए इमोशन को क्या लिखा जाएगा, इमोशन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आइए दिमाग लगाते हैं। पहली चीज तो हम ये सोच पाएंगे यहां पे कि अगर यहां अक्षर लिखे हैं और यहां पे संख्या लिखी है, यानी कि अक्षरों की संख्या से ही तो ये संख्या जन्म लेगी। बात स्पष्ट है, हर अक्षर की कुछ ना कुछ एक संख्या होती है, उन्हीं को मिला के या उनके साथ कुछ काम करके यह 92 को जन्म दिया हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आप सोच लगाएंगे तो देखिए ई क्या होता है 5, एक्स क्या होता है आपका 24, पी क्या होता है आपका 16, आर क्या होगा आपका 18, ई क्या होगा 5 और एस और एस 19 और 19। ठीक, इन सभी को जोड़ लेंगे तो 90 के आसपास तो हम पहुंच ही जाएंगे, बल्कि 100 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो जोड़ के देखते हैं, 5, 24, 29, 29 और 16 कितना होगा दोस्तों, 29 और 16 होगा 45, 45 और 18 63, 63, 5, 68, 68 और ये देखो 19 और 19, 38, 68 और 38 कितना होगा दोस्तों 106। तो 106 आ रहा है, 92 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और कुछ लिखा है हमारे लिए, फीलिंग लिखा है। फीलिंग को देखिए दोस्तों क्या होगा, F होगा आपका 6, E होगा आपका 5, 5, L आपका 12, I आपका 9, N आपका 14 और G आपका 7। इस तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूं ये सारी चीजें आप सभी को याद रहनी चाहिए, यही काम हमारा है। ठीक है, तो सोते उठते बैठते जब आपको समय मिलेगी आपके मोबाइल में आप भले रख लीजिए, चैटिंग तो वैसे ही हम दिन रात करते ही हैं, तो आपको ये भी बहुत 2 मिनट निकाल करके चेक करते रहना है कि जो आप सोच रहे हैं वह सही है या गलत। ठीक है, तो अगर आप इनको भी जोड़ेंगे तो लगभग 50 के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। आइए जोड़ते हैं, 6, 5, 11, 5, 16, 16 और 12 आपका हो गया 28, 28, 9 हो गया 37, 37 और 14 हो गया आपका 51 और 7 58। अब आपको कुछ जरूरी चीज दिख रही होगी, यहां पे हमारा योग आ रहा था 106 पर उसको क्या लिखा गया 92, यहां पे हमारा योग आ रहा था 58 58 और उसका कोड क्या लिखा गया 44। यानी कि जो भी हमारा योग आ रहा है, संख्याओं का योग आ रहा है, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे उसमें से यहां 14 घटाया गया है, यहां पे भी कितना घटाया गया 14 घटाया गया, क्योंकि 106 में आप 14 घटाएंगे तभी 92 तक आ पाएंगे, 58 में भी 14 घटाएंगे तभी आप 44 तक आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना है इमोशन। तो इमोशन का जितना भी योग आएगा उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 14 आखिर में घटाना पड़ेगा। तो आइए इमोशन का योग देखते हैं, 5, 13, 15, टी का अर्थ 20, आई का अर्थ 9, ओ का अर्थ 15, एन का अर्थ 14। तो 13 और 5 18, 18 15 32, 18 15 माफ करिएगा 33, 33 और 20 53, 53 और 9 62, 62 और 15 77, 77 और 14 91। तो देखिए 91 तो कुल आपका योग आया, उसमें से आपको 14 घटाने, यानी कि 77 आपका उचित उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। 77 आपका उचित उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहां पर कई बार आप ये भी कह सकते हैं कि सर 14 ही क्यों घटाया जा रहा है। देखिए सोचने वाली बात हो सकती है यहां पर कि शायद ये 7 अक्षर के वर्ड है, इसीलिए 7 × 2 करके 14 हटाया हो। यहां पे भी आप देखेंगे तो फीलिंग भी 7 अक्षर का ही वर्ड है, इसीलिए शायद 7 × 2 करके 14 ही हटाया हो। एक्सप्रेस भी आप देखेंगे, माफ करिएगा इमोशन भी आप देखेंगे तो 7 अक्षर का ही वर्ड है, इसीलिए शायद 7 × 2 करके 14 हटाया हो। ये सारी हमारी सोच होगी दोस्तों, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा हम इसका अभ्यास करेंगे, इतने पैटर्न हमारे दिमाग में रहेंगे, इतनी हमारी सोच बन जाएगी जब भी हम पेपर में जाएंगे। तो वही हमारा काम है, वही हम चाहते हैं कि आप सब प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए और इतना कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके लिए अब कुछ नया बचे ही नहीं। आइए देखिए प्रश्न इसको, ये भी आपका सीसेट 2022 का प्रश्न, तो कहीं ना कहीं 3 प्रश्न तो सीसेट वाला ही पूछ के बैठा है आपसे, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका बहुत महत्व है दोस्तों, तो बहुत कोशिश से ये बनाया जा रहा है, आप इसको बहुत सपोर्ट करिए। अगर अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करते जाइए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सिर्फ दिमाग दौड़ाइए, बहुत पेन दौड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग दौड़ाइए। यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो टीम को वो वायन लिख रहा है। पहली बात, पहला वाला जो क्वेश्चन था वहां पे 6 अक्षर थे और कोड में 12 आ गए। ठीक है, यानी कि 1 अक्षर 2 का वहां पे वजन लेके आ रहा था। यहाँ 4 अक्षर है
और कोड में दो आ रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं ना कहीं टी और ई मिला के वाई को जन्म दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि टी और ई मिला के वाई को जन्म कैसे देंगे। देखिए टी होता है 20, ई होता है 5, ठीक, वाई कितना होता है 25, तो कहीं ना कहीं 20 और 5 मिलके ही तो 25 बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक तुक्का है, इसी को हम आगे लेके चलते हैं। ए कितना होता है 1, एम कितना होता है दोस्तों 13, तो 1 और 13 जुड़ के भी 14 बनाने चाहिए, तो क्या एन का योग 14 होता है? बिल्कुल। तो ये जो हमारी सोच थी वो कारगर हो गई है, हम इतनी सोच अपनी कारगर कर लेंगे कि हमें बार बार जाके चेक ना करना पड़े। ये तो हमें इसीलिए दिया जाता है कि हम प्रमाण ले सके कि जो हम सोच रहे हैं सही है कि नहीं, परंतु आपको यही पता चल जाएगा कि आप सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। आप फिर भी ट्राई करना चाहेंगे तो देख सकते हैं। आर और ई कितना होगा 18 और 5 23, तो यहाँ डब्लू दिख रहा है क्या 23, बिल्कुल। तो अब आपको पता है कि आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है, लेफ्ट एल और ई, एल कितना होता है दोस्तों 12, ई कितना होता है 5, तो 12 और 5 कितना होगा दोस्तों 17, 17 किसको दर्शाता है क्यू को, तो आपका उत्तर चालू होना चाहिए क्यू से, तो या तो क्यू जेड होगा या तो क्यू टी होगा। एफ कितना होता है दोस्तों 6, टी कितना होता है 20, तो 20 और 6 26, यानी कि आपका आखिरी अक्षर आ गया जेड, तो क्यू जेड आपका उत्तर होना चाहिए दोस्तों। इतने आसान होते हैं प्रश्न, आप चेक करिए हम कितना लिख रहे हैं क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, बस दिमाग लगा रहे हैं, लॉजिक चला रहे हैं और हमारे उत्तर आते जा रहे हैं, ठीक है। आइए और प्रश्न दिखाता हूं, ट्राई करिए इस प्रश्न को, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न। ये सीसेट 2020 का आपका प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, किसी कूट भाषा में फीचर एफ ई ए टी यू आर ई को यू वी जेड जी एफ आई वी लिखा हुआ था, ठीक। तो ऐसा ही क्यों लिखा है इसने, यहीं पे सारी जगह पे हमारी आप ध्यान दे रहे हैं तो क्या काम आ रहा है, कहीं ना कहीं यही तो काम आ रहा है। आप देखिएगा एफ का उल्टा क्या होता है दोस्तों, एफ का उल्टा क्या होता है दोस्तों, एफ का विपरीत होता है यू, ठीक है। मैंने आपको कैसे बताया, आप उल्टा कैसे पहचानते हैं, दोनों का योग क्या होना चाहिए 27, ठीक है। तो अब ये चीजें अगर आपको याद है, पता है, आपने इतना अभ्यास कर लिया कि अभी आपके जहन में बैठ चुकी है, तो ये सारी काम हमारे लिए आसान, यानी कि कहीं ना कहीं 6 वाली चीज को 21 लिख दिया गया, यानी कि उसका विपरीत लिख दिया गया। ये सिर्फ एक तुक्का है, आगे भी बैठना चाहिए तभी हम बोलेंगे कि हाँ हम जो सोच रहे हैं सही है। E कितना होता है दोस्तों 5, यहाँ पे कितना बन गया 22, बात स्पष्ट है। तो हर चीज का क्या लिखा जा रहा है उल्टा, हर चीज का क्या लिखा जा रहा है उल्टा 27, ठीक, हर चीज में। A के लिए क्या लिखा जाना चाहिए Z, तो अब आपको पता चल गया जो आप सोच रहे हैं बहुत ही सटीक सोच रहे हैं। आप आ जाइए विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, जो हमें निकालना है हम वही निकाल लेते हैं जल्दी से फटाफट देंगे। सी क्या है 3, तो इसका उल्टा क्या होगा 24, क्योंकि 3 और 24 ही मिलकर 27 बनाएंगे, तो 24 किसके लिए होगा दोस्तों एक्स के लिए, तो D से तो हमारा उत्तर हो नहीं सकता, X से चालू होगा। अब ऑप्शंस को देखिए, X S Z J, X S Z, X S Z, तो 3 तक तो निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है, तो आप क्या निकालेंगे 2 को छोड़ दीजिए, 3 तक निकालने का समय नहीं है। R को निकालिए, R कितना होता है दोस्तों, R होता है हमारा 18, कितना होता है 18, तो 18 का विपरीत क्या आएगा दोस्तों, 18 में आप ऐसा क्या जोड़ेंगे जो 27 बन जाए, तो 9, तो 9 किसको दर्शाएगा आई को, तो जो चौथे स्थान पे जगह आनी चाहिए वहां पे आपको आई दिखना चाहिए। आई दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जे दिख रहा था, यहाँ पे आपको जे दिख रहा था, तो देखिए इतना आसान है, ऑप्शन नंबर बी आपका उचित उत्तर है। कई बार क्या होता है ना, छात्र पता नहीं उसको एक कंफ्यूजन होता है दिमाग में, एक डर होता है, वो क्या करता है ना बेचारा, पहले पूरे फीचर में हर एक अक्षर का वो निकाल के देखेगा, तभी उसको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि देखो मैं सही सोच। अगर आपकी सोच सही है तो आप एक दो बीच के उठा के भी चेक कर सकते हैं, अगर मुझे देखना है कि मेरी सोच सही है तो क्या आर के बाजू में आई लिखा गया, बिल्कुल है, तो हमें मालूम है जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इतना समय नहीं जाया कर रहे कि पूरी चीज लिखें, यहां पर भी वो क्या करता है कैरेक्टर को पहले लिखता है पन्ने में, फिर उसके पूरे विपरीत निकालता है और फिर ऑप्शन मिलाता है, इतना समय नहीं वेस्ट कर सकते हम, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप समय बचाएंगे तो आप किसकी मदद कर रहे हैं, अपनी मदद कर रहे हैं, कल को शायद आपके सीसेट में गणित के ऐसे कोई प्रश्न मिल जाए या डेटा इंटरप्रिटेशन के इतने क्वेश्चन आते हैं जहां पर चार्ट में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो वहां के लिए समय कैसे बचाएंगे, मैनेज कैसे करेंगे, ऐसे ही तो मैनेज करेंगे कि जो चीज आसान है उसको तुरंत निपटा दिया और जो चीज में समय लग रहा है वहां पे समय दे दिया, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमसे कुछ चीजें छूट जाए, पूरे प्रश्न बनने चाहिए और वो अवश्य बनेंगे, ठीक है। इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, तो इसके बाद मैं डेटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग खत्म होने के बाद
आप लोग के लिए गणित के भी सेशन इसी प्रकार से लेकर आऊंगा। चलिए, ये कहां पे पूछा गया, देखिए ये भी सीसेट 2020 का है, तो दो क्वेश्चन तो आपको दिखने ही दिखने हैं, कभी कभी तीन भी दिख जाएंगे। देखिए आर्मी को वो लिख रहा है, कुछ बहुत ही बड़ी सी वैल्यू दे रहा है, यानी कि आर्मी के जो अक्षर हैं वो कहीं ना कहीं जाके अब संख्याओं में बदल गए हैं, और कुछ इस तरीके से बदले कि वो आपको शायद डरा दे, परंतु आपको डरना नहीं है, आपको मालूम है इनके ही अक्षरों का कुछ ना कुछ काम यहां पर किया होगा। ठीक है, ए क्या होता है, एक होता है, आर क्या होता है, 18, एम क्या हुआ आपका, एम हो गया 13, y क्या हुआ आपका, 25। अब आप बस चीजों को देखिए, एक के सामने यहां पे 5 क्यों लिखा है, क्या गुणा 5 हो रही है, हो सकती है, क्या गुणा 5 हो रही है, हो सकती है। 18 के आगे क्या यहां पे 90 लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो 18 की गुणा 5 कितनी होती है, 18 की गुणा 5 90 होती है, 1 की गुणा 5 कितनी होती है, 1 होती है, 5 होती है, माफ करिएगा। तो अभी तक ये तुक्का है, आगे एक और जगह बैठ गया तो मेरे को आश्वासन आ जाएगा। एम कितना है, 13, क्या 13 की गुणा 5 65 होती है दोस्तों, अवश्य होती है, तो 13 की गुणा 5 65। तो इसी के आधार पर आप बता सकते हैं कि यहां पे जो भी शब्द लिखा है उसके अक्षरों का जो भी आपका संख्या है उसको गुणा 5 करके कोड में लिख दिया गया। हमें क्या निकालना है, नेवी निकालना है, हमें क्या निकालना है, नेवी। तो देखिए एन कितना होता है, एन होता है 14, तो 14 की गुणा 5 कितनी होगी, 70, तो आपका ऑप्शन 70 से चालू होना चाहिए दोस्तों, ये गलत हो गया। ठीक है, अगर अब चुनना है तो देखिए फटाफट, अगर हमें चुनना है तो देखिए आखिर में सबके अलग है, 130 125 130 125, तो आखिर में क्या है, y, या तो आप y को ऐसे देख लीजिए कि ये 25 है, तो 25 गुणा 5 125 होगा, तो आखिर में आपका 125 से खत्म होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा, क्योंकि 130 पे खत्म नहीं हो सकता। या आप बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते, एकदम ढीट है मेरे जैसे, तो आप क्या करेंगे, वाई को देखेंगे, 125 यहां लिखा है, तो साले को यहां पे भी वाई को 125 आप लिख देंगे, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं बस आपको वही सारी चीजें साझा करते जा रहा हूं जो आपके लिए मदद कर सकती है, कितनी शॉर्टकट तरीके से काम करा जा सकता है, बस घबराना नहीं है, वैरायटी मैं आपकी कवर कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। आइए अब इस प्रश्न को करने की कोशिश करिए। किसी खास कूट भाषा में एडुकेशन को GHFXDLWQR लिखा जाता है, उसी भाषा में फ्रेग्रेंस को यानी खुशबू को क्या लिखा जाएगा। ठीक, आइए चेक करिए, यहां मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ सकती है, इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहां ई लिखा है, यहां पे जी लिखा है, यानी कि ये 5 था, यहां 7 हो गया। ठीक, यहां पे 4 लिखा है परंतु यहां पे 8 हो गया, तो कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, 5 वाली चीज 7 हो रही है तो 4 वाली चीज 8 क्यों हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे, कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम सीधा लिख देते हैं एडुकेशन, और यहां पे लिख देते हैं GHFXDLWQR, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो अक्षरों की पूरी संख्या लिख लेते हैं और फिर मिलाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 4, ये होता है आपका 21, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 1, ये हो गया 20, ये हो गया 9, ये हो गया 15, ये हो गया आपका 14। ठीक, जी कितना होगा दोस्तों, 7, एच कितना होगा दोस्तों, 8, एफ 6, एक्स 24, डी 4, एल 12, डब्ल्यू 23, क्यू 17, आर 18। अब देखिए कुछ पैटर्न दिख रहे हैं, अब आपको दिख रहा है यहां पे 5 है, यहां पे 8 है, यहां पे 4 है, यहां पे 7 है, यानी कि ये चीज ऐसी आ गई, ये चीज ऐसी आ गई, और कितने से बढ़ गई, प्लस 3 हो गई। ठीक है, 5 वाली 3 3 से बढ़ के कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8, 4 वाली चीज 3 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 7। ये तुक्का है, आगे बैठना चाहिए तभी हमारा काम सही है। ठीक है, यू वाली चीज कितनी होती है दोस्तों, 21, तो क्या यहां 24 आ गया, बिल्कुल आ गया, देखिए क्रॉस में 24 आया। ये कितना है, सी 3, तो 3 वाली चीज 3 से बढ़ के क्या 6 हो गई, बिल्कुल। तो अब आपको पता चल रहा है कि जो आप सोच रहे हैं वो बहुत ही सही दिशा में सोच रहे हैं। ए क्या है, बीच वाली चीज है, तो बीच वाली चीज तो क्रॉस होगी नहीं, है ना, अगर यहां पे 3 चीजें हैं, 4 चीजें, या मैं बोलता हूं 5 है, तो ये तो इससे क्रॉस हो जाएगी, ये इससे क्रॉस हो जाएगी, बीच वाली तो क्रॉस होगी नहीं, बीच वाली को सीधी आना चाहिए, बीच वाली को सीधी आना चाहिए। ठीक है, तो ए अगर 1 है तो उससे 3 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, तो बीच वाली चीज सीधी आ रही है, बाकी सब क्रॉस में आ रही है। टी वाली चीज कितनी है, 20, यहां पे कितनी हो गई, 23। तो अब आपको पता चल गया, 9 वाली चीज यहां 3 बढ़ के 12,
अब देखिए सब क्रॉस में चल रहा है, 15 वाला बन गया 18, 14 वाला बन गया 17, तो सब क्रॉस में चलेगा, बस बीच वाला सीधा आएगा, क्योंकि कॉमन सेंस है दोस्तों, बीच वाले को क्रॉस करने के लिए जगह भी तो मिलनी चाहिए, ठीक है, जोड़ीदार भी तो मिलना चाहिए कि वो जाएगा कहां, बीच वाला तो बीच में ही रहेगा। तो अब आपसे क्या पूछा गया उसी को निकाल लेते हैं फटाफट दोस्तों। देखिएगा फ्रेगरेंस निकालनी है आपको, ठीक है, ये एक्चुअली इतना लिखना नहीं पड़ता है, यहाँ पे ही जगह आपको मिल जाती है, परंतु लास्ट टाइम किसी छात्रा ने यह भी लिखा था कमेंट में, सर हिंदी मीडियम से, कोशिश करिए कि हिंदी में जितना ज्यादा क्वेश्चन दिख पाए, तो आज पूरी कोशिश ये रखी गई है कि बायलिंगुअल ही रहे, हर जगह प्रश्न आपको दोनों भाषा में देखने को मिले, ठीक है, तो आपका बिल्कुल इस सारी चीजों का ख्याल रखा जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। एफ कितना होता है दोस्तों 6, आर कितना होता है दोस्तों 18, तो कहीं ना कहीं ये बन जाना चाहिए 3 से बढ़ के 9, यानी कि यहाँ पे आपको देखना चाहिए आई आर बन जाना चाहिए 3 से बढ़ के 18 से बढ़ के 3, 21 यू, तो आपका उत्तर यू आई से चालू होगा, ऑप्शन नंबर सी तो तुरंत गलत होगा, ये भी यू आई है, ये भी यू आई है, ये भी यू आई है, ठीक। अब यहाँ जेडी आ रहा है, यहाँ जेडी आ रहा है, यहाँ केडी आ रहा है, तो दूसरे वाले को भी चेक कर लीजिए, ए और जी, ए आपका जाएगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे 1 है तो बन जाएगा 4, डी आना चाहिए यहाँ पे, और जी आपका 7 है बन जाएगा यहाँ पे 10 जी, तो जे डी होना चाहिए, यू आई जे डी, ये तो गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए और डी में आपको काम करना है, तो जे डी यहां तक भी है, जे डी यहां तक भी, यहाँ पे टी क्यू लिखा है, यहाँ पे यू क्यू लिखा है, ठीक है। अब आप देखिए बहुत समझदार है आप, आर तो बीच की है क्योंकि 9 अक्षर है, तो आर बीच में बैठा है, आर का तो सीधा सीधा 3 सीधा ही जुड़ जाएगा, बीच वाली चीज बीच में आ जाएगी, तो यार देखो आर कितना होता है 18, 3 से बढ़ गया कितना हो जाएगा 21, यानी कि बीच में आना चाहिए यहाँ पे भी U, तो यू आई जे डी यू, यू आई जे डी यू, ऑप्शन नंबर ए सही है, टी गलत है क्योंकि यहाँ पे टी आ रहा है, हमारा क्या आना चाहिए दोस्तों यू, तो इस तरीके से आप चयन कर सकते हैं। ये भी एक डिसेंट क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे की सोच बहुत ही सीमित होती है, वो क्या सोचता है, अरे ई के सामने तो जी ही रहना चाहिए ना, पहली की जगह पहला रहना चाहिए, नहीं, हर बच्चा अगर ये सोचने लग जाएगा तो फिर मजा कैसे आएगा पेपर, पेपर बना जो रहा है उसको कैसे मजा आएगा, है ना, तो ये भी आपको ख्याल रखना है कि कभी कभार चीजें क्रॉस में भी चल सकती है, कभी कभार चीजें क्रॉस में भी चल सकती है, तो छोटी छोटी बातें हैं, वेराइटी की वेराइटी आपकी कवर करवाते हुए चलेंगे दोस्तों। आइए चलिए दोस्तों देखते हैं अब इस प्रश्न को, जहां पे हमें क्या लिखा है कि इंजीनियर को 131 के रूप में लिखा जा रहा है और इनकम को कितना लिखा जा रहा है 97, यानी कि 97, तो उसी भाषा में हमें क्या लिखना है टीचर, ठीक है, आपसे टीचर को क्या लिखा जाएगा वह पूछा जा रहा है, तो आइए समझते हैं इस चीज को। अब हमें यह तो बहुत ही भली भांति पता है कि अक्षरों की जो संख्या है उसी से 131 आए, परंतु आप सोच के देखिए ई क्या है, ई तो बेचारा एक छोटा बच्चा है जिसका वजन कितना है 5 किलो, ठीक, अब ये छुटुर मुटुर बच्चे 5-6 किलो के, जी हो गया 7 किलो का, आई हो गया 9 किलो का, ये छोटे छोटे जुड़ के थोड़ी 131 के आसपास पहुंचेंगे, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो आपको यहाँ कुछ विपरीत सोचना पड़ सकता है, कुछ उल्टा सोचना पड़ सकता है, और वह चीज क्या हो सकती है कि इस छोटी चीज को सर हम बड़ा भी तो बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, अगर ई 5 है तो भाई उसका उल्टा 22 भी तो होता है, उसका उल्टा 22 भी तो होता है, तो जहां वह चीज 5 किलो वजन थी अब 22 किलो वजन हो गई, बड़ी हो गई, तो जो भी छुटुर मुटुर दिख रहे थे अब ये बड़े बन गए, अब बड़े बन गए हैं तो बड़ा वजन ला सकते हैं, यह सोच होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम उस तरीके से जाते हैं तो क्या बनती है, यहाँ पे ई कितना है आपका 5, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा 22, एन कितना होता है 14, 14 का विपरीत कितना हो जाएगा दोस्तों 13, जी होता है 7, विपरीत हो गया 20, आई होता है 9, उसका विपरीत हो गया 18, 14 होता है एन, यानी कि इसका हो गया 13, ई 5 होता है 22, और आर कितना होगा दोस्तों 18, इसका बन गया 9, तो 22, 13, 35, 35 और 20, 55, 55 और 18, 73, 73 और 13, 86, 86 और 22, 86 और 22, 108, 108 और 22, 108 और 22, 130, 130 और 9, 139, कम से कम आप 131 के आसपास तो पहुंच गए। अब इसी तरीके से देखिए इनकम में भी हम वही करते हैं, विपरीत ही चलते हैं, तो ये 9 होता है आई, इसका विपरीत कितना हो जाएगा दोस्तों 18, एन हो जाएगा आपका 14 का विपरीत 13, सी हो जाएगा 3 का विपरीत, बड़ा बन जाएगा 24, 15 होता है ओ, इसका विपरीत 12, एम होता है 13, इसका विपरीत हो जाएगा 14, ई होता है 5, इसका विपरीत हो जाएगा 22, तो 18, 13, 31, 31 और 24 दोस्तों कितना होगा 55, 55 और 12 कितना होगा दोस्तों 67, 67 और 14 कितना होगा दोस्तों
81 और 22 कितना होगा दोस्तों? 103. ठीक भाई, अब कुछ आपको बात समझने आई. 103 कम से कम 97 के पास है, 139 कम से कम 131 के पास है. अब आप देखिए कि 139 जो चीज हो रही थी उसको इसने 131 ही क्यों लिखा, 8 से माइनस किया. यहां क्यों नहीं 8 से माइनस कर रहा है, यहां पे भी तो 130 को 8 से घटा के 95 लिख सकता था, परंतु उसने कितना घटाया, 6 ही घटाया. कितना घटाया, 6 ही घटाया. तो ऐसा पक्षपात क्यों कि इससे तुम 8 किलो घटा रहे हो और इससे तुम 6 किलो घटा रहे हो. अब आपके दिमाग के तार जुड़ने चाहिए कि यह इंजीनियर है. इंजीनियर है अर्थात 8 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8. इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि ऐसी भी सोच रख सकता है, तो 8 अक्षर है शायद इसीलिए उसने 8 माइनस किया हो. इनकम में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 अक्षर है शायद इसीलिए उसने 6 माइनस किया हो. तो अब आप देखिए टीचर में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7. तो जो भी आपकी संख्या आएगी, जो भी आपका योग आएगा, उसमें से आपको 7 घटाना पड़ेगा, क्योंकि टीचर खुद 7 अक्षर का एक शब्द है. ठीक है, तो आइए टीचर के लिए गिनते हैं. हमें क्या गिनना है, विपरीत गिनना है, यानी कि टी आपका वैसे तो होता है 20, आप गिनेंगे 7. ई होता है आपका 5, आप गिनेंगे 22. ए कितना होता था दोस्तों आपका, 1. क्या गिनेंगे, 26. 1 का उल्टा 26. सी 3 होता है 24. एच होता है आपका 8. 8 का विपरीत 19. ई होता है आपका कितना, 5, विपरीत 22. आर होता है आपका 18, विपरीत 9. तो 7 और 22 29, 29 और 26 मतलब 29 और 26 अगर आप करेंगे तो 55 होगा. 55 और 24 करिए दोस्तों कितना होगा, 79. 79 और 19 करिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका 98. 98 और 22 करिए दोस्तों आपका ये हो गया 120. 120 और 9 129. तो 129 तो कुल आपका योग आ रहा है, 129 तो कुल आपका योग आ रहा है, परंतु टीचर में खुद कितने अक्षर है, 7. तो वो आप माइनस कर देंगे, 122 आपका उचित उत्तर, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं. ये सी सेट आपका 2021 का प्रश्न है, तो आपको वैरायटी इस तरीके की मैं करवाने की कोशिश करूंगा. आप भी अपने एंड से जब भी आप किसी प्रश्न को देखते हैं तो वीडियो के साथ साथ आप पॉज करें, उसको बनाने की कोशिश करें. ठीक है, क्योंकि कोई समझाएगा तो अवश्य ही धीरे धीरे चीजें आपको समझने आएंगी, परंतु आपको अपने आप को भी समय देना है उसमें और ट्राई करते रहना है. अब देखिए ये कितना आसान प्रश्न है, ये सीजीएल में पूछा हुआ है. ठीक है, हमें लगता है नहीं सीजीएल तो टफ है, सीजीएल तो टफ है. अरे कुछ टफ नहीं है, आपकी तैयारी है और कुछ टफ नहीं होता है. आइए चेक करिए, गंगा को उसने 21-3, 42-21-3 लिखा है, और कितने प्यार से लिखा है. यहाँ पे ऐसे चिपका के लिखता तो एक बार आदमी कंफ्यूज होता है, यहाँ पे बिल्कुल स्पेस दे दे के लिखा है, तो हमें मालूम है कि वो क्या सोचना चाह रहा है. कहीं ना कहीं हमें मालूम है कि जी यानी कि 7 उसके सामने 21 आ गया, गुणा 3 से लग रही है मुझे. अब मेरे को आश्वासन कब आएगा जब मैं देखूंगा, देखो ए होता है 1, क्या यह भी गुणा 3 से होके 3 बन गया है, अवश्य बन गया. आपको अब चेक करना है तो आप देख लीजिए एन कितना होता है दोस्तों, 14. तो 14 की गुणा 3 कितनी होगी दोस्तों, 42. तो अब आपको पता चल गया है. अब बच्चा क्या करता है, बोलता है देख कोसी दिया है तो चल यहां से भी प्रूफ ले लेता हूं. अरे किसके लिए प्रूफ लेना है, क्यों इतना आश्वासन लेना है, कोई भी एक बीच का ले लो, भले 18 है, माफ करिएगा एस है. एस कितना होता है, 19. 19 के सामने क्या यहाँ पे तीसरे स्थान पे 57 लिखा है. हाँ, तो गुणा 3 हो रही है. आप मान लीजिए आपने देख लिया है, लॉजिक आपको यहीं के यहीं मिल जाता है. ठीक है, तो आइए आपको क्या देखना है, गोमती यानी कि जी है, तो 21 से आपका उत्तर चालू होना चाहिए दोस्तों. ये ए और डी गलत हो गया. ठीक है, तो 21 से अगर आपका चालू होगा तो देखो यहाँ पे दूसरे ही अक्षर में पता चल जाएगा, एक जगह 30 लिखा है, एक जगह 45 लिखा है. ओ हम सभी को पता है कितना होता है, 15. ओ कितना होता है, 15. 15-3-45. ऑप्शन नंबर बी आपका उचित उत्तर. इतना आसान प्रश्न, ठीक है, बल्कि लगे तो सी सेट में थोड़ा आपसे कैलकुलेशन ज्यादा कराने की कोशिश करी गई है, परंतु आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है. आइए देखिए, इस तरीके के भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों कोडिंग डीकोडिंग में, और आप याद दिलाइएगा मैं आपको एक होमवर्क में भी इस प्रकार का प्रश्न दूंगा जिसका उत्तर आपको क्या करना है, उत्तर निकालना है पहले, और उसके बाद कहीं ना कहीं कमेंट में उसे आपको साझा करना है. ठीक है, तो इस तरीके से आप एंगेजमेंट बना के चलेंगे. ठीक है, जो बच्चे बाकी लोग भी देखते हैं जिनको उत्तर नहीं मिलता है, तो उनकी भी मदद हो जाती है जब वह कमेंट में पढ़ते हैं कि देखिए सर ये वाला उत्तर आया. ठीक है, तो आप अपना भी काम करते जाइए, दूसरों की भी जितनी मदद हो सके अवश्य करते चले जाइए. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर गुड.
को 2, 5, 6 लिखा है। 6, 3, 7 वी आर बैड, ठीक। 3, 5, 8 गुड एंड बैड, ठीक। अब हमसे पूछा है कि बताइए एंड को कौन सा अक्षर यहाँ पे, एंड को कौन सी संख्या यहाँ पे दर्शाती। तो देखिए एंड आपको मालूम है यहाँ है, अब एंड के लिए आपका उत्तर या तो 3 होगा 5 होगा या तो 8 होगा, 2 तो हो ही नहीं सकता था। आप कैसे देखेंगे एंड को, अगर आपको पहचानना है तो आप देखिए यहाँ तो आप एंड को ढूंढने, एंड कहीं और दिख नहीं रहा है। क्या गुड और बैड कहीं दिख रहा है? हाँ, गुड और बैड तो दिख रहा था, बैड तो देखिए यहाँ दिख रहा है, तो बैड यहाँ पे भी था। तो कोई ऐसी चीज है क्या 3, 5, 8 और 6, 3, 7 में जो कॉमन है? 3 और 3 कट गया, ठीक है। 3 आपका किसको दर्शा दिया? बैड। तो 3 तो आपका उत्तर हो नहीं सकता, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। गुड भी दिख रहा था क्या? देखिए यू आर गुड, यहाँ पे भी गुड है, तो गुड को कौन काटेगा दोस्तों? गुड को काटेंगे 2, 5, 6 और 3, 5, 8, 5 काट देगा। तो गुड क्या है? 5 है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं कि कोई भी नया बच्चा हो तो उसको भी समझना है, ठीक है। एंड क्या बचा? अब यहाँ पे देखिए 8 बचा और यहाँ पे सिर्फ एंड बचा, तो एंड का अर्थ हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, 8, ठीक है। इसको और जल्दी भी करा जा सकता है, परंतु मैं बाकी भी आपको इसीलिए निकाल के दे रहा हूं, कोई नया बच्चा भी देखे तो उसको भी ये बात समझना है कि ये वाले पैटर्न कैसे करे जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए, बेहतर। कोई क्वेश्चन छूटे हैं? बिल्कुल, आइए चेक करिए। ये दोस्तों आपका यूपीएससी का है क्वेश्चन, ये आपके यूपीएससी सी सेट 2021 का प्रश्न है, यूपीएससी सी सेट 2021, ठीक है। तो यूपीएससी नाम में वजन है, ठीक है। प्रश्न वो भी वैसे ही पूछता है जैसे हमारे सी सेट वाला पूछता है, तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज है ऐसा नहीं है कि वो बहुत टफ पूछता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ठीक है। आइए चेक करिए, तो यहाँ क्या लिखा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए और नए क्रम में आया हर वर्ण उस वर्ण के निरूपित करे जिसका मूल स्थान उसने लिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लखनऊ के निरूपित करता है? अर्थात आप समझिए यहाँ पे वो बोलना क्या चाह रहा है। बोलना ऐसा कुछ चाह रहा है दोस्तों वह कि ए था, तो ए का विपरीत क्या है, ए का उल्टा क्या है? जेड। तो कहीं ना कहीं ए ने स्थान ले लिया किसका? जाके जेड, ठीक है। तो हर चीज जाके अपनी उल्टी बन जा रही है, उल्टी यानी कि विपरीत बन जा रही है, अपोजिट बन जा रही है। क्या बन जा रही है? अपोजिट बन जा रही है। भले वो भाषा इस तरीके से लिखे कि हमें कंफ्यूज करे, परंतु हम इतने तेज हैं कि यहां पर समझ जाएंगे कि वह क्या लिखना चाह रहा है। आया हर वर्ण किया जा रहा है जिसका मूल स्थान उसने लिया है, उल्टा कर दिया गया। तो हमें खुद ब खुद छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है, बहुत ज्यादा उससे बात नहीं करनी, क्योंकि यार क्वेश्चन से क्या बहस करेंगे, वैसे भी वो आपकी सुनने नहीं वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी बीबी की तरह है, वो बहुत ज्यादा सुनेगा नहीं, ठीक है। तो जो लिखा है छोटी छोटी बातें पकड़िए और आगे बढ़ते जाइए। अगर बी लिखा है तो हमें मालूम है बी के विपरीत क्या ही आ जाएगा, बी के विपरीत वाई आ जाएगा। तो इस तरीके की वह बात आपसे करना चाह रहा है, करना चाह रही है। आइए अब हमें पता करना है कि लखनऊ के लिए कौन सा उत्तर उचित हुआ। तो हमें मालूम है यह जाके किसका स्थान ले लेगा? एल 12 होता है तो विपरीत हो जाएगा, तो किसका स्थान ले लेगा? 15वां वाले का, यानी कि कहीं ना कहीं ओ का। तो उत्तर तो आपका ओ से चालू होना चाहिए, सारे ही उत्तर ओ से चालू हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू क्या होता है दोस्तों? यू आपका होता है 21, तो विपरीत होके क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, अर्थात एफ हो जाएगा। तो ओ और एफ से आपका उत्तर चालू होना चाहिए, तो ए और बी तो ऐसे ही कटे, ओ एफ ओ एफ। एक्सपी यहां पे भी देखिए एक्सपी, तो क्यों समय बर्बाद करना है एक्सपी निकालने में? एम एल एम एल, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो पूरे निकालता है वो यहां तक सब निकाल रहा होगा, तो ये समय की बर्बादी ही तो है, क्यों निकालना जब ऑप्शन सारे सेम है, तो इतनी सारी चीजें क्यों निकालना? आप देखिए ना स्मार्टली कि आखिर में ई लिखा है, यहाँ पे आखिर में डी लिखा है, तो इसके आधार पर हम आराम से पकड़ सकते हैं कि डब्ल्यू कितना होता है दोस्तों? 23। कितना? 23। तो उसका विपरीत क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। 23 का विपरीत क्या होगा? 4, यानी कि डी। तो आखिर में आपका डी आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी उचित उत्तर। इतने आसान है प्रश्न, आपको कौन बोलता है कि यूपीएससी में अच्छे टफ क्वेश्चन आते हैं? कहीं भी ऐसा नहीं है, सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस है। मैं निरंतर यही बात कहते रहता हूँ, ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस, यानी कि ऑब्जर्वेशन वह चीज हुई जो आप बार बार देखते हैं, प्रैक्टिस वह चीज हुई कि जितना आप देख रहे हैं उतना क्या अभ्यास कर रहे हैं, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर कोई भी पेपर टफ नहीं लगना चाहिए दोस्तों। आइए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ठीक है। इन अ कोड लैंग्वेज, ये भी आपका देखिए सी सेट यूपीएससी का ही है, 2021 का ही प्रश्न, ठीक है।
माफ करिएगा फिर दोस्त, अगर ये 2021 का है तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, ये 2022 का रहा होगा, ठीक है, ये 2022 का। आइए, इन अ कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स यानी गणित, अपना ही सब्जेक्ट गणित, इज रिटन एज LBSID, कुछ कुछ खतरनाक सा लिखा है, पढ़ने का भी मन ना करे। हाउ इज केमिस्ट्री रिटन इन दैट लैंग्वेज? आइए चेक करते हैं केमिस्ट्री को कैसे लिखेंगे हम। एम का एल से कोई लेन देन है क्या दोस्तों? बिल्कुल है। देखिए एम कितना होता है? 13। ये कितना है? 12। यानी कि पहले तो हो गया -1। ए का लेन देन है क्या बी से दोस्तों? बिल्कुल, ये एक होता है, ये बन गया 2, तो फिर हो गया +1। ठीक है, क्या इसी तरह से चल रहा है -1 +1 की -1 +1 +2 -2 इस तरीके से चल रहा है? तो कुछ आगे तक तो हमें जाके देखना पड़ेगा। टी कितना होता है दोस्तों? 20। यहां पे क्या हो गया? एस, यानी कि 19। तो अब आपको पता चल गया -1 +1 -1 +1 इस तरीके से ही पिक्चर चलेगी। अब कोई भी एक चीज उठा के देख लीजिए, ठीक है, -1 +1, ये भी क्या होगा? एच -1, ये -++, ये 8 से 9 हो जाना चाहिए। आई हो गया, देखिए बिल्कुल, तो -1 +1, ये पिक्चर अब साझा हो जाती है हमारे सामने। ठीक है, तो आप इसको भी यही देखेंगे, सी के लिए क्या आना चाहिए? सी वाली चीज, यानी कि पहली चीज तो हमेशा -1 हो रही है, पहली वाली क्या हो रही है? -1, तो बी आ जाएगी। दूसरी वाली क्या होनी चाहिए? +1, तो ये 8 होती है दोस्तों, 8 वाली चीज आई बन जाएगी, तो बी आई से आपका उत्तर होना चाहिए। तो ये तो ए गलत हो गया, आपका डी भी गलत हो गया, ठीक है, तो BIDLBIDN यानी कि -++, ठीक है। तीसरा अक्षर यहाँ पे भी डी है, तीसरा अक्षर यहाँ पे भी डी है, समय नहीं बर्बाद करेंगे। एम वाली चीज क्या है? चौथा अक्षर है, -++, तो एम वाली चीज खुद होती है 13, बन जानी चाहिए 14 यानी कि एन, तो BIDN ऑप्शन नंबर बी आपका उचित उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे BID के बाद L लिखा है, हमारा आना चाहिए BIDN, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बिल्कुल उचित उत्तर है दोस्तों। ठीक है, तो आसान है प्रश्न बिल्कुल, ठीक है, आइए चेक करिए और भी प्रश्न देखते हैं। ये देखिए आपका CGL 2020 का प्रश्न है, तो ये भी आसान है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन अ सर्टेन कोड 6218 मींस लैपटॉप इज अ कंप्यूटर और 8217 means computer is a machine, is a machine, a machine, a machine मतलब gap है उसके बीच में। Which of the following is a code for machine makes our life easy? ठीक है, अब कई बार इसको इंसान समझता है ले common निकालें, वैसा वाला है ही नहीं दोस्तों ये प्रश्न, क्योंकि common में जितनी भी चीजें आपसे पूछी जाएगी वो कहीं ना कहीं पहले लिखी तो हुई होगी। यहाँ पे आप देखिए, क्या easy कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। क्या कहीं लाइफ लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। तो उसको जन्म कैसे देंगे, उसका कोड वर्ड कहां से निकालेंगे, है ना? ये छोटी छोटी बातें अब आते हैं, आपको समझनी है आगे बढ़ने से पहले। तो अब हमें यह सोचना है कि 6 क्यों लिखा गया लैपटॉप को, 2 क्यों लिखा गया ISIS को, 1 को A क्यों लिखा गया। ठीक है, अब आप सोचिए इसको 6 लिखने के पीछे क्या कारण हो सकता है, कि ये 6 अक्षरों का शब्द है इसीलिए, ये सिर्फ एक तुक्का है, तुक्के को स्थापित करना पड़ेगा। यहां 2 लिखा हुआ है तो वो IS के लिए क्या इसीलिए लिखा गया क्योंकि वो 2 अक्षर का? अब आपको थोड़ा आश्वासन आएगा। फिर आप देखते हैं 1 लिखा गया और A तो सिंगल ही अक्षर है, 8 लिखा गया यानी कि कंप्यूटर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको पता चल गया कि हाँ, अब जो मैं सोच रहा था, अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हम सही सोच रहे थे। ठीक है, तो यहां पे जितने अक्षर का शब्द है उतने ही वहां पे वैल्यू नंबर में लिखिए, संख्या में लिखिए। तो मशीन आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका उत्तर 7 से चालू होना चाहिए, सी नहीं हो सकता दोस्तों। मेक्स क्या है? MAKES 5, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4, 7 5 3 4 4, 7 5 3 4 4 ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान था दोस्तों यह प्रश्न। ठीक है, तो बस छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ना है, इस तरीके की वेराइटी के क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि CGL ने पूछा है, तो ऑफकोर्स CSET इस प्रश्न को थोड़ा सा बदलकर लेकर आपके समक्ष आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए ये वाले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न को। ये भी आपका CGL 2021 में पूछा गया है। क्या प्रश्न है, कह रहा है देखिए, PEN पेन को लिखा गया 17717, कैप को क्या लिखा जाएगा उसी सेम भाषा में। ठीक है, आइए देखते हैं हम। पी को हम जानते हैं क्या लिखते हैं, अमूमन 16 लिखते हैं। ई को क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। एन को क्या लिखते हैं, 14। तो क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि उसने 16 को पटक के 17 लिख दिया, यानी कि 1 से बढ़ा दिया, कुछ तो बात हुई होगी। ई को जो 5 है बेचारे को 2 से बढ़ा के 7 लिख दिया,
जो एन आपका है जो 14 है उसको आपका 3 से बढ़ा के 17 लिख दिया गया। तो क्यों ऐसा भेदभाव कि पी के साथ एक ही जोड़ रहा है, ई के साथ 5-2 जोड़ रहा है और एन के साथ 3 जोड़ रहा है? शायद ये कुछ इस तरीके से सोच रहा है कि जो पहला अक्षर है पहले स्थान पे जो आ रहा है उसके साथ हम 1 जोड़ते हैं, जो दूसरे स्थान पर आ रहा है यानी कि ई उसके साथ हम 2 जोड़ते हैं, और जो तीसरे स्थान पर आ रहा है जो एन उसके साथ हम 3 जोड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके की वह पिक्चर आपके सामने बनाना चाह रहा है, तो हम भी वैसी पिक्चर बना लेंगे। अब हमसे क्या पूछा गया, कैप, सी ए पी कैप पूछा गया, राइट? तो आप देखिए पहला क्या है, 3, ठीक, इसको 1 से बढ़ा दिया जाएगा, कितना लिखा जाएगा, 4। ए क्या होता है, 1, इसको 2 से बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि दूसरे स्थान पर है, ठीक है, तो ये क्या दिखेगा, 3। तो 4-3 करके आपका उत्तर आना चाहिए, 4-3। तो आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। पी कितना होता है दोस्तों, पी होता है आपका 16, पी कितना होता है 16। तो ये चीज कितने से बढ़ जाएगी दोस्तों, यह बढ़ जाएगी आपकी 3 से क्योंकि तीसरे स्थान पर है, तो क्या बन जाएगी, 19। 4-3-1-9 आपका उचित उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आपका उचित उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसमें हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आइए एक लास्ट वेराइटी आपको और कराते हैं, फिर एक आपको होमवर्क के लिए प्रश्न देंगे जिसका आपको स्क्रीनशॉट अपने साथ लेकर के रखना है, या जब भी आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो के अंत में आप उसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए चेक करते हैं, नॉर्मल को उसने डी आई पी के आर ओ लिखा है और साउंड को जी के आर पी एक्स लिखा है। ये आपका प्रश्न आ गया दोस्तों सीजीएल 2020 का, ठीक। तो क्लस्टर को क्या लिखा जाएगा, आपको देखने से समझ में आनी चाहिए चीजें, नहीं समझ में आ रही है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर एन 14 है तो उसे 5 लिख रहेगा, ये कुछ तुक नहीं बन रहा, 14-5 क्यों लिखेगा, या तो विपरीत लिखे या कुछ +1+2 ऐसा कुछ करे ना। ये ओ होता है 15, यहां बन गया 9, तो 15-9 में तो अंतर 6 है, 14-5 में अंतर 9 है, ऐसे बात नहीं बनेगी, यानी कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आइए देखते हैं, एन ओ आर एम ए एल, और यहां क्या लिखा गया, डी आई पी के आर ओ, ठीक है। आइए एन हो गया 14, ओ हो गया 15, आर हो गया आपका 18, एम हो गया आपका 13, ए हो गया आपका 1 और एल हो गया आपका कितना दोस्तों, 12। डी को एक बार चेक करिए, डी क्या होता है, डी आपका 4 होता है, आई आपका हो गया 9, पी हो गया आपका 16, के हो गया आपका 11, आर हो गया आपका 18 और ओ हो गया हमारा 15, ठीक। आइए चेक करते हैं, 14 है यहां पर और यहां पे 15 तो दिख रहा है, तो क्या पहली चीज को आखिर में लिख गया है, फिर ओ वाली चीज जो 15 है वह क्यों 18 हो रही है, वो 16 होनी चाहिए, पर ओ का जो है वहां यहाँ पे तीसरा लिखा है, यहाँ पे दूसरे पे है, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, कुछ और दिख रहा है क्या, 4 दिख रहा है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कोई चीज +1 हो रही है, कोई +2 हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है समझने की कोशिश करते हैं। 1 दिख रहा है यहाँ पे आपको, 4 दिख रहा है, ठीक है। और क्या क्या दिख रहा है हमें, 12 दिख रहा है, तो शायद यहां -3 करके 9 लिख दिया है, ठीक है। फिर 13 वाली चीज को उसने +3 करके 16 लिख दिया। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि किसको प्लस कर रहा है किसको माइनस कर रहा है, यह भी तो पता चलना चाहिए। तो इसमें आप इस तरीके की सोच रख सकते हैं क्या दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर ये एन ओ आर एम ए एल को हम कुछ इस क्रम में लिख दें कि ए पहले आ जाए और बाद में एल आ जाए, ठीक है, ए पहले आ जाए और बाद में एल आ जाए। अब ये कैसे होगा, देखिए ए सबसे छोटा है तो ए को लिख दिया पहले, एल उसके बाद सबसे बड़ा इसमें आएगा दूसरे नंबर पे, इसीलिए एल लिख दिया। तो कहीं ना कहीं पहले ए आया फिर एल आया, उसके बाद कौन है जो इससे थोड़ा बड़ा रहेगा, एम होगा, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा उससे बड़ा है एन होगा, ठीक है। उसके बाद कौन उससे बड़ा है, एन के बाद ओ आएगा, ठीक है, और आर सबसे बड़ा होगा। अब देखते हैं कुछ तुक बन रहा है क्या, एक आपका ये हो गया 12, ये आपका होता है 13, ये होता है आपका 14, ये 15 और ये 18। अब देखिए बात बन रही है क्या, एक वाली चीज +3 हो गई, 4 बन गई, ये दूसरी वाली जो चीज थी 12 से हो गई 9, -3 हो गई, तो +3 -3। एम वाली चीज जो 13 थी, देखिए अब मजा आएगा, क्या बन गई, 16, तो अब वापस +3, ठीक है। 14 वाली चीज जो ये वाली थी बन गई कितनी, 11, यानी कि -3। ओ वाली चीज जो 15 थी बन गई 18, +3। आर वाली चीज जो
18 थी, क्या बन गई? -3। तो अब आपको मालूम है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें परेशान करा गया है, थोड़े से हम ईमानदारी वाली बात है परेशान हुए भी, ठीक है। तो ये पेपर में, शायद पेपर में काफी बच्चों से ना बने, परंतु सोच को तो आपको आगे बढ़ाना ही है निरंतर, ठीक है। एक बार में हमें भी नहीं समझ में आएगा कई बार कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, आपको अपने आप को निरंतर सोचते रहना कि शायद ऐसा कर रहा हूं वैसा कर रहा हूं। तभी तो हमें पता चला कि ए एल को ऐसा लिख रहा होगा, तब हमने सोचा शायद ए एल को इसीलिए ऐसा लिख रहा है कि ये छोटे से बड़े अक्षरों को इस तरीके से जमा रहा है, फिर उसमें कोडिंग डिकोडिंग कर रहा है, फिर उसको बदलाव कर रहा है। तो अब हमें पूछा गया क्लस्टर को बताइए कैसा लिखा जाएगा। तो अगर आप देखेंगे क्लस्टर को आपको लिखना है तो आपको पता है सबसे पहले छोटे बड़ी चीजों को आपको साथ में लिखना पड़ेगा। सी सबसे छोटा है, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा एल, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका आर, बिल्कुल आ जाएगा आर। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका एस, उसके बाद आ जाएगा टी, और उसके बाद आ जाएगा यू। तो ये छोटे से बड़े क्रम में हमने लिख दिया। पहली चीज क्या होगी? +3। तो सी तो 3 होता है, +3 होके 6 होना चाहिए, यानी कि एफ। एफ से है उत्तर, एफ से है 2 उत्तर, तो एफ से है। इन दोनों में आपका उत्तर छुपा है, दूसरे में ही पता चल जाएगा। दूसरी वाली चीज क्या है? 5। ये हो जानी चाहिए -3। पहली चीज क्या हो रही है? +3। फिर क्या हो रहा है? -3। +3 -3 +3 -3, इस तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। तो ई खुद 5 था, 3 से घटके क्या हो जाएगा दोस्तों? 2, यानी कि बी। तो एफ बी से आपका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ये सबसे आज की डेट में, मतलब अभी इस पूरी स्लाइड में, एक सबसे ढंग का क्वेश्चन जो आप कह सके, जिसमें आपको थोड़ी परेशानी हो सकती थी पर उसको भी हमने सॉल्व कर लिया, तो वह यह वाला प्रश्न हो सकता था। तो इस तरीके के टाइप भी आपको ध्यान में रखने, अब आपका दिमाग इस तरीके से काम करना चाहिए, चीजों को अगर छोटे से बड़ा लिख सकता है तो आपके पेपर में बड़े से छोटा भी लिख सकता है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो भी जरूरी इनसाइट से मैं आपसे शेयर करते रहता हूं कि आपका उससे बिल्कुल मदद होती जाए दोस्तों, ठीक है। तो आइए एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, जिसको आपको सॉल्व करना है, और तुरंत जैसे ही आपका उत्तर आ जाए तो कमेंट में आप उसे लिख देंगे, जिससे हमें भी पता चल जाएगी आपको चीजें अच्छे से समझने आ रही हैं। उसके बाद जो बच्चों का नहीं बना हो वह भी इस चीज को बना ले। तो ये भी आपका CGPSC CSET 2022 का ही प्रश्न दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। आइए चेक करिए, ये प्रश्न है आपका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बनाने की बिल्कुल बिल्कुल कोशिश आप करेंगे, ठीक है। तो मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का कि आप क्या लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर, इसमें क्या आप आंसर डाल, ठीक है। ये आपका प्रश्न हो गया दोस्तों। आइए अब वो एक प्रश्न कर लेते हैं जो लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था, जहां पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा था, ठीक है। आइए चेक करते हैं। देखिए यहां पे अगर आप निरंतर अंतर लेते हुए चलेंगे ना तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि यहां पे आपको 2 दिख रहा होगा, यहां फिर 7 दिख रहा होगा, यहां पे फिर अचानक से कितना हो गया 12। तो ये आप सोच सकते हैं कि 5-5 से अंतर बढ़ रहा है, पर यहां पे 12 वाला अंतर फिर 12 ही क्यों रहेगा? 12 वाला अंतर भी तो 5 से बढ़ के 17 होना चाहिए था। तो यहां पे अंतर वाली पिक्चर तो काम कर नहीं रही है दोस्तों, ठीक है। यहां पे माफ करिएगा 33 था, तो यहां कुछ अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम इस तरीके से सोचें कि ये 2 है, ये 7 है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? मेरे को कुछ आगे अच्छा दिख रहा है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। ये 42 वाली चीज 54 हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 हो, ये कितनी हो गई? 54 और 66। अब आपको एक मजेदार चीज यहां पे दिखेगी, ठीक। 66 वाली चीज हो गई 96-30, ठीक है। 96 वाली चीज अब आगे बढ़ के कितनी हो गई? 113, यानी कि कितना का अंतर आया? 17। अब आप देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये 113 वाली चीज 169 हो गई, कितने का अंतर आया? 69 में 13 घटा लीजिए, आ गया आपका 56। ये वाली चीज अब कितनी बढ़ेगी? जो बढ़ेगी वही आपको यहाँ प्रश्न चिन्ह की जगह दिखेगा। अब आपसे ऊपर वाले पैटर्न को देखिए, जो चीज 7 थी 12 हो गई, यानी कि 5 से बढ़ गई। 12 वाली चीज फिर 17 हो गई, जो मैं आपको कह रहा था कि कुछ आसान यहाँ पे आपको दिखेगा वो हो गई 17। 7, 12, 17, 22, यानी कि ये भी तो अंतर अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 5 से 22, यानी कि जो आपका 169 और 22 का अंतर आना चाहिए यहाँ पे किसी संख्या से, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी? 191। आप कैसे निकालेंगे? 169 में आप 22 जोड़ देंगे, 169 में आप क्या करेंगे? 22 को जोड़ देंगे। तो यह कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 191। बात स्पष्ट है। अब देखिए एक मजेदार बात बता दूं, ये कोई नहीं आपको कहेगा कि चलिए अब बताइए, तो इसके आगे भी एक प्रश्न चिन्ह बना रहता तो क्या होता उत्तर?
निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो वह आता आपकी इस पैटर्न से, वह आता आपके नीचे वाले पैटर्न से। यहां पे क्या पैटर्न है, 2, 12, 30, 56 अंतर निकालते जाइए। 10 हो गया यहां पर, यहां पे हो गया 18, यहां पे हो गया आपका 26। तो आप देखिए यहां पे 10, 18 यानी कि 8 का अंतर, 8 का अंतर। यहां पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों, आगे 8 का ही अंतर आना चाहिए। तो यहां पे 26 और 8 कितना होता है दोस्तों, 26 और 8 होगा 34, ठीक है। 26 और 8 कितना होगा दोस्तों, 34। 34 और 56 कितना होगा दोस्तों, 56 और 34 होगा आपका कहीं ना कहीं जाके 156, और ये 50, 30 हो गया 90, 80, 6, 4, 10 ये आना चाहिए यहाँ पे आपका अंतर 90 का। कितना आना चाहिए, अंतर 90 का। तो इसके बाद वाला कोई आपसे पूछता तो जो प्रश्न चिन्ह हमने निकाला है 191 उसमें जमा 90 कर देंगे तो 281 उसके बाद वाले का उत्तर आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 281 उसके बाद वाले का उत्तर आना चाहिए। तो जितनी चीज पूछी गई है वह तो हमें आनी ही चाहिए, परंतु जो नहीं पूछा गया वो भी अगर हमें आने लग जाए तो आप सोचिए आप बहुत ज्यादा सीख लेंगे फिर इस चीजों से, ठीक है। क्योंकि प्रश्न आपसे बाद में चलकर तो कुछ भी पूछा जा ही सकता है। तो दोस्तों यह था आज का हमारा सेशन। यहाँ पे जो भी बच्चे ने ऑप्शन डी, जो भी छात्रों ने ऑप्शन डी लिखा है, वेरी गुड, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। और आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन था दोस्तों वह था ये वाला, तो इसे भी बिल्कुल आप सॉल्व करके फटाफट बताइएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों मिलते हैं, अगला सेशन भी आपके लिए अगले गुरुवार को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से गुरुवार दर गुरुवार इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे रीजनिंग ब्रह्मास्त्र वाली, और आपसे इस तरीके से मिलते रहेंगे और साथ में सीख के आगे पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों, शुक्रिया।